स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 4 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाली बटन को जरूर दबाएँ जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, गूगल ने कौन सी स्मार्ट वॉच कंपनी खरीदी है? तो एसुस टेक कंप्यूटर, ध्रुविक इलेक्ट्रो, फिटविट, कंकर का समय। तो गूगल ने दोस्तों फिटविट कंपनी को खरीदी है। किस कंपनी को दोस्तों? फिटविट। गूगल ने फिटनेस बैंड और स्मार्ट वॉच बनाने वाली कंपनी फिटविट को खरीद ली है। कंपनी ने स्मार्ट वॉच मेकर को 201 विलियन डॉलर, कितना दोस्तों? 201 विलियन डॉलर का भुगतान किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस भारतीय खिलाड़ी को राजदूत समूह में शामिल करने की घोषणा की गई है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह मैरी कॉम। क्या है दोस्तों? मैरी कॉम। 6 बार विश्व विश्व चैंपियन मैरी कॉम को ओलंपिक 2020 में राजदूत समूह में शामिल करने की घोषणा की गई है। मैरी कॉम समूह में एशियाई ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन है दोस्तों 114, 104, 106, 124। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है 106। कितना दोस्तों? 106। तो भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में 2 स्थान गिरकर 106वें स्थान पर आ गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने अपने नवीनतम परमाणु संचालित पनडुब्बी से एक बुलवा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ऑप्शन है दोस्तों जापान, रूस, चीन, फ्रांस। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है रूस। क्या है दोस्तों? रूस, अर्थात वी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने विद्युत मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ऑप्शन है दोस्तों सामंत गोयल, सजीव नंदन सहाय, प्रमोद कुमार मिश्रा, सुब्बा राय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है सजीव नंदन सहाय। सजीव नंदन सहाय ने बिजली मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आईसीआईसीआई लोमबार्ड ने किस बैंक की मदद से बीमा उत्पाद बेचने का फैसला किया है? तो ऑप्शन है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, VOB अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक, करूर वैश्य बैंक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है करूर वैश्य बैंक। क्या है दोस्तों? करूर वैश्य बैंक। आईसीआईसीआई लोमबार्ड ने बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए करूर वैश्य बैंक के साथ रणनीतिक गठजोड़ किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। देश में अक्टूबर 2019 के महीने में कितना जीएसटी एकत्र किया गया था? तो ऑप्शन है 95,380 करोड़ रुपए, 101,05,610 करोड़ रुपए, 94,916 करोड़ रुपए या 92,442 करोड़ रुपए। तो जो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है 95,380 करोड़ रुपए। कितना दोस्तों? 95,380 करोड़ रुपए। सितंबर में जीएसटी संग्रह 91,916 करोड़ रुपए के मुकाबले बढ़कर 95,380 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन पिछले साल के इसी महीने में एकत्र किए गए 1 लाख करोड़ की तुलना में
5.29% कम था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लॉक चेन स्थित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज किस देश में शुरू किया गया? ऑप्शन है दोस्तों, मलेशिया, जापान, सिंगापुर, चीन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है सिंगापुर। क्या है दोस्तों? सिंगापुर। तो सिंगापुर में नई तकनीकी ब्लॉक चेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्राई द्वारा मोबाइल फोन कॉल रिंग के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? 40 सेकेंड, 45 सेकेंड, 35 सेकेंड या 30 सेकेंड? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है 30 सेकेंड। कितना दोस्तों? 30 सेकेंड। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने मोबाइल पर रिंगिंग कॉल का समय 30 सेकेंड और लैंडलाइन फोन के लिए 60 सेकेंड फिक्स किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केरल का राज्यपाल कौन है? तो तमिलिसाई साउंड राजन, आरिफ मोहम्मद खान, वजू भाई वाला, बनवारी लाल पुरोहित। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है आरिफ मोहम्मद खान। क्या है दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान। तो आरिफ मोहम्मद खान एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह भारत के संघ में एक पूर्व कैबिनेट मंत्री है और वर्तमान में केरल के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ऊर्जा से लेकर नागरिक उड्डयन तक कई विभागों को संभाला है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वायु प्रदूषण के कारण किस शहर में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जारी किया गया है? तो ऑप्शन है दोस्तों, बंगलौर, मुंबई, नई दिल्ली, फरीदाबाद। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है नई दिल्ली। अर्थात दिल्ली में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अस्पताल घोषित किया गया है, आपातकाल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फिल्मी हस्तियों को आइकॉन ऑफ द गोल्डन जुबली ऑफ IFFI से सम्मानित किया जाना है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कमल हसन, दिलीप कुमार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है रजनीकांत। तो रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा आइकॉन ऑफ द गोल्डन जुबली ऑफ IFFI से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस सरकारी अस्पताल में से पहली रोबोटिक सर्जरी सुविधा की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन है, सफदरगंज सरकारी अस्पताल नई दिल्ली, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली, सर जे अस्पताल मुंबई, IPGMI एंड आर और SSKM अस्पताल कोलकाता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है सफदरजंग सरकारी अस्पताल नई दिल्ली। तो दोस्तों केंद्र संचालित सफदरजंग अस्पताल में जनता के लिए एक रोबोटिक सर्जरी सुविधा खोली गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली, सॉरी, अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री अनिल कुमार झा ने के अध्यक्ष और MD के पदभार संभाला। तो कोल इंडिया लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है कोल इंडिया लिमिटेड, अर्थात ए ऑप्शन। तो श्री अनिल कुमार झा ने कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और MD के रूप में कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश कुमार का स्थान लिया। CIL का मुख्यालय कोलकाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।